विदिशा जिले के सिरोंज में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सिरोंज थाना क्षेत्र के ग्राम पामाखेड़ी में जमीन के विवाद को लेकर शर्मा और साहू समाज के दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों गुटों के 9 लोगों को चोटें आई है, जिसमें 4 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए भोपाल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष पर बंदूक से फायर किए गए हैं, जिसमें एक युवक को गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि घटना जमीन की नप्ती के दौरान हुई है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और सभी घायलों को उपचार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से कुछ लोगों को भोपाल भी रेफर किया गया है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। क्या घटना घटित थी? आज ये कर्राखेड़ी रोड नहर के पास में जमीन के नामांतरण की बात को लेकर दोनों पक्षों का विवाद हो गया है। एक पामाखेड़ी के रहने वाले हैं, पामाखेड़ी का है कपिल शर्मा और उनके साथ में उनके परिवार के लोग हैं। दूसरे हैं शिव कुमार साहू और उनके परिवार के लोग हैं। इन दोनों के बीच में जमीन का नामांतरण की बात को लेकर के विवाद हो गया है। उसमें दोनों के आपस में मारपीट से चोटें हुई हैं। इसके अंदर क्या गोली वगैरह भी चली है इसमें? ऐसा कहना है इनका, उसकी तस्दीक की जा रही है। कितने लोग घायल हैं? कपिल शर्मा की तरफ से 5 लोग घायल हैं और ये शिव कुमार शर्मा की तरफ से 4 लोग घायल हैं। रेफर कितनों का किए हैं? 4 लोग रेफर हुए हैं। गंभीर चोटें होने से उनको रेफर किया है भोपाल के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।